नालासोपारा में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने के विरोध में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हिंदूवादी संस्था और पार्टी के लोग मौजूद थे। जैसे कि हम बात करें तो इस मौके पर विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी, भाजपा के जिला महामंत्री राजन नाईक, शिवसेना के पालघर जिला के अध्यक्ष शिरीष चौहान, ऐसे तमाम लोग इस सभा में शामिल हुए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा। तरीके से अब हमारे देश में विदेशी घुसपैठियों, खास करके रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों यहाँ पे बसाया जा रहा है, जबकि भारत देश में कश्मीर से 4.5 लाख ब्राह्मण हैं, जिनको अपने देश में जिंदगी गुजारने में उनके लिए कोई आपत्ति, मगर हमारे देश के मुसलमान जिस तरीके से जिद पकड़ के बैठे हैं, पूरे देश में जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उपद्रव कर रहे हैं, आपको याद होगा 2013 में कोई रोहिंग्या मुसलमान है जिनके लिए आजाद मैदान में पुलिस ने कार्रवाई की, महिलाओं की पुलिस वालों को मारा गया था, बंदूक निकली थी, देश की जो अमर ज्योति छोड़ा गया था, बहुत सारी मीडिया की गाड़ियों में आग लगाया गया था। ये मुसलमान अगर क्या चाहते हैं, अगर हम लोग हवा नहीं उठाएंगे तो कल हमारे सामने हमारी नेता कोई जमा की हुई धनराशि को लूटेंगे, हमारी बहन बेटी की इज्जत को लूटेंगे। वक्त आ गया है और ये मन क्या हमारा ऐलान हुआ है कि हम आगे कल में पूरे देश में ऐसे आतंकवादी और ये जो विदेशी आक्रांत बात हो रही है उसके खिलाफ पूरे देश में हम जनसभा करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार को छोड़ करके अपने विरोध का प्रदर्शन सब द्वारा भी करेंगे। हिंदू इस संगठन इसके लिए एक है और सारे हिंदू का मत एक है कि ऐसे आक्रांतों को यहाँ पे बसाना नहीं चाहिए। जी जी, क्या कहना चाहिए आज के इस विषय की अगर बात करें और इस आंदोलन की बात करें, मोर्चे की बात करें, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो रोहिंग्या मुसलमानों का विषय है, ये गंभीर विषय है और इनको बड़ी ही षड्यंत्र के साथ देश की डेमोग्राफी जनसंख्या अनुपात को तोड़ने के लिए इनको देश में फंसाने का प्रयास किया है। जो जिहादी तत्व ये चाहते हैं हिंदुस्तान ये एक इस्लामिक स्टेट बन जाए, ऐसी विचारधारा के लोग होता है रोहिंग्या मुसलमानों को छत बल के साथ देश में घुसाना चाहते हैं। बहुतों पर क्या अत्याचार हुए हैं आज तक कभी दिखाया नहीं, केवल रोहिंग्या मुसलमानों के दिक्कतों को दिखाया जाए। क्या ऐसा हुआ होगा कि अहिंसावादी बोर्डों को हथियार उठाने की जरूरत पड़ी है? तो ये चीज़ें भी जो मीडिया है उसको दिखाना चाहिए और प्रिंट मीडिया के माध्यम से केवल ऐसा ही दिखाया जाता है कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को ही हमले। आप किन किन संगठनों ने आज यहाँ पे लिया और क्या अगला कदम क्या होगा? अगर ऐसा है कि इस पर तमाम हिंदू संगठनों ने जैसे आलिया जैसे विश्व हिंदू सेवा संघ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू जनजागृति समिति, ऐसे तमाम हिंदू संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और हमारे साथ सहयोग करने के लिए हमारे वसई ईरान के भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कुछ उपस्थित थे, जिसमें राजन नाईक जी बारूद जी राजेंद्र थापा, शिवसेना से हमारे शिरीष चौहान जी आंदोलन को सारे पार्टियों का सरकार कह रही है जिसके पास वैलिड कार्ड नहीं है, मतलब हिंदू के नियम के अनुसार एंट्री भारत में नहीं हुई है उसको हम भेजेंगे, लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है वो इसके लिए नहीं हो रहा है कि उनको यहाँ पे बसाएंगे और बाकी जिनके पास कार्ड नहीं उनको वापिस भेजेंगे। हम ये आंदोलन इसके लिए करेंगे, हर एक जो नागरिक जो रोहिंग्या मुसलमान है वो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा और रहेगा यहाँ पे उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन इतना अभी जो शांतता से आंदोलन होगा वही इतना उग्र होगा कि इसके आने वाले जो वीर विरासत ने जो किया है वो यहाँ पे भारत में संभव है। तो सर, आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक भी ये मोर्चा देखा जाएगा? सड़क से संसद तक ये पूरे देश के हर गली में हर नुक्कड़ में आपकी आवाज़ उठाएंगे और फिर से पूरी से लेकर आजाद मैदान तक शुरुआत होगी। तो ये जो भूमि है ये हमारे शिवाजी महाराज की भूमि और ये हमने तारीख यहीं से शुरू किया है और शिवाजी महाराज की भूमि से हम इसका संगठन करते हुए पूरे देश में ऐसे गुरुबैठियों के खिलाफ। ये इनका रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन कौन कर रहा है? सरकार तो इसके विरोध में, सरकार विरोध में इसमें कांग्रेसी वामपंथी
और कुछ मुस्लिम लोग इनके समर्थन में जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे वामपंथियों को, ऐसे कांग्रेसों को हम सबक सिखाएंगे और आने वाले दिनों में उनको बता देंगे कि अब हिंदू जागरूक हो गया है, आपने 70 सालों तक वोट बनाए हैं, अब हिंदू वोट बनने वाला नहीं है, तो आवाज उठाएगा। अब उसके लिए इन लोगों को सस्ता जो भी उठाना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और म्यांमार में तकलीफ होने लगी, इसलिए एक बौद्धिस्ट राष्ट्र होते हुए भी जो शांति प्रिय राष्ट्र था वहाँ के लोगों को तकलीफ इन्होंने देना शुरू कर दिया, और अपना जो दिल में उनका जो मुस्लिम ये आक्रमकता थी वो देश को खोखला करने के लिए उन्होंने जो चालू किया था, तो उसके खिलाफ उनके वहाँ के जो बौद्धिस्ट राष्ट्रीय लोग थे उन्होंने इनको भगा दिया, और वो हिंदुस्तान एक उनको ऐसा देश लगा कि यहाँ जल्दी भाग के इनको सहारा मिलेगा, क्योंकि अपना देश का जो राजनीति है और जो मीडिया है सब कुछ है यहाँ के मुसलमानों को आज तक पुष्टि कर जो ये किया बांग्लादेशियों को संभाला, वैसे हमको भी संभालेंगे, इसलिए जो लोग यहाँ आए शरण में आने के बाद फिर देश को खोखला कर देंगे, और इसके खिलाफ जो हजरतगढ़ में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और सभी हिंदू संगठन ने वो करना चाहिए, सभी हिंदू ने वो आगे की तकलीफ अपना होना नहीं चाहिए करके आवाज़ उठाना चाहिए, ये कारण आज इन्होंने जागरण सभा है ऐसा भी समझता। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर शिवसेना का क्या रुख होगा, अगला रुख क्या होगा? रोहिंग्या मुसलमान ही नहीं तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा सबके खिलाफ शिवसेना है। शिवसेना प्रमुख ने बोला था इस देश में रहना होगा तो जय हिंद बोलना होगा, हिंदुस्तान का ही गुणगाना होगा। तो जो मुसलमान जो भारत देश के मुसलमान यहाँ आएंगे, जो हालांकि इस देश के बंटवारे भी जो 14 करोड़ उस टाइम बचे हुए थे वो आज 25 करोड़ तक पहुँच गए, और उनकी जो तकलीफ सहना पड़ता है देश को वो आगे इनका और बढ़ावा हो जाएगा तो और तकलीफ सहना पड़ेगा, इसलिए ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ ये आतंकी मुस्लिमों के खिलाफ शिवसेना हमेशा उन्हें